यार सृष्टि, इस फ्राइडे ना एक बड़ी फिल्म रिलीज हो रही है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने चलें? अरे छोड़ो ना यार, 2-3 हफ्तों में ओटीटी पर रिलीज हो जाएगी, वही देख लेंगे। यार ओटीटी पर देखना और थिएटर्स में देखना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। सही कह रहे हो अर्जुन, थिएटर में 2-3 घंटे का वक्त देना पड़ता है, वक्त निकालना पड़ता है, बैठना पड़ता है, और 300-400 रुपए का खर्च वो अलग, और सबसे बड़ी बात कोविड अभी गया नहीं है, तो वहां जाके खतरा कौन मोल ले। इससे अच्छा है किसी चैनल का मंथली सब्सक्रिप्शन ले लो और आराम से फिर पूरे महीने पिक्चर देखो। नहीं यार सृष्टि, मुझे ऐसा लगता है ना कि OTT प्लेटफॉर्म पर अगर हम फिल्म देखेंगे तो इससे थिएटर जो मालिक है उनका नुकसान होगा, और इसका सीधा असर जो है वो फिल्मों के कलेक्शन पर पड़ेगा। अरे तो क्या हुआ यार, हम लोग नौकरी पेशा लोग हैं, मनोरंजन के लिए फिल्म देखते हैं, काम करते हैं, हम लोग कोई फिल्म क्रिटिक या फिर ट्रेड एक्सपर्ट थोड़ी है। या नहीं, ऐसे तो जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं वो थिएटर को बर्बाद कर देंगे और इसका सीधा असर बॉलीवुड पर पड़ेगा। यही तो हो रहा है, जब से OTT ने देश दुनिया में दस्तक दी है, थिएटर्स की भद पिट गई है। घर बैठे जब HD क्वालिटी में आराम से बैठकर फिल्म देखी जा सकती है, तो फिर क्यों ज्यादा पैसे खर्च करके एक साथ 3-5 घंटे निकालकर कोई थिएटर का रुख करेगा। शुरुआत में ये कॉन्सेप्ट पचा पाना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन बची कुची कसर कोविड ने पूरी कर दी। कोरोना ऐसा आया कि सारे थिएटर्स बंद पड़ गए, ऐसे में जितनी बड़ी फिल्में रिलीज के लिए अटकी पड़ी थी या तो वो डिले हो गई या फिर OTT पर रिलीज हो गई। नई फिल्म कम पैसे में घर बैठे आराम से देखने को मिल जाए, दर्शकों को और क्या चाहिए। पूरे कोरोना काल में ये OTT प्लेटफॉर्म्स मनोरंजन का सबसे अच्छा साधन बने, और देखते ही देखते इन्होंने लगभग हर मोबाइल फोन के साथ साथ लोगों के दिलों में जगह बना ली। फिर चाहे नेटफ्लिक्स हो, Disney+ हॉटस्टार हो, Z5 हो, Amazon प्राइम वीडियो हो, MX प्लेयर हो या फिर सोनी लिव हो, दर्शकों को अब इनकी आदत सी हो गई है। हालांकि इसका सीधा असर बॉलीवुड पर पड़ रहा है। एक दौर था जब फिल्में 100 करोड़ क्लब, 200 करोड़ क्लब में शामिल होती थी, लेकिन कोरोना काल और उसके बाद 2-4 फिल्मों को छोड़ दिया जाए तो फिल्में 100 करोड़ी क्लब तो छोड़िए, अपनी लागत तक नहीं निकाल पा रही हैं। ऐसा नहीं कि छोटे स्टार्स के साथ ऐसा हो रहा है, बड़े बड़े स्टार्स जैसे अक्षय कुमार, सलमान खान, आमिर खान जैसे सितारे भी इसे फेस कर रहे हैं। अब लाल सिंह चड्ढा का हाल क्या हुआ किसी से छिपा नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि इसे तो OTT प्लेटफॉर्म भी नहीं खरीद रहे थे। खैर, जिस तरह का माहौल चल रहा है उसको देखते हुए कहना गलत नहीं होगा कि OTT का दबदबा हो गया है और ये थिएटर और बॉलीवुड पर भी हावी हो रहा है। अब लोग थिएटर में नहीं बल्कि OTT पर फिल्म कब आएगी इसका इंतजार करते हैं। PVR में जितना खर्चा होता है उससे आधे में सब्सक्रिप्शन का पैसा निकल जाता है। सबसे दिलचस्प बात, इन प्लेटफॉर्म्स पर एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों फिल्में मौजूद हैं, ओरिजिनल सीरीज मौजूद हैं, यानी असल एंटरटेनमेंट थिएटर्स में नहीं OTT पर है। हालातों को देखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिसर्च की जिसके मुताबिक साल 2023 तक OTT इंडस्ट्री बढ़कर 12,000 करोड़ की हो जाएगी। 2018 में ये इंडस्ट्री 2,590 करोड़ की थी, यानी 7-10% कमाई का आंकड़ा बढ़ने से ही आप OTT की ग्रोथ का अंदाजा लगा सकते हैं। अब जैसे बात करते हैं रणबीर, वाणी और संजय दत्त की फिल्म शमशेरा की। फिल्म रिलीज तो हुई लेकिन 3 हफ्तों में उतर गई, जबकि Amazon प्राइम के शोकेस में ये पॉपुलर कंटेंट में शुमार है। तापसी की शाबाश मिट्टू के साथ भी ऐसा ही हुआ। नेटफ्लिक्स के टॉप कंटेंट में शामिल हुई ये फिल्म दर्शकों को थिएटर्स तक खींच पाने में नाकाम थी। साल 2021 में आई फिल्म संदीप और पिंकी फरार 20 करोड़ के बजट से बनी थी लेकिन फ्लॉप रही। बाद में जब OTT पर आई तो इसकी कहानी को काफी पसंद किया गया। थिएटर के शेयर दिन पर दिन गिरते जा रहे हैं तो वहीं OTT हर दिन ऊंचाई छू रहा है। हालात बताते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब थिएटरों का होना ना होना बराबर हो जाएगा। OTT प्लेटफॉर्म थिएटर कल्चर को खत्म ना कर दे। खैर, आप बताइए आपको क्या लगता है, क्या OTT थिएटर्स को कभी जड़ से खत्म कर पाएंगे या फिर ये सब टेम्पररी है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।